फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कम क्लिफी गार्डनिंग। ये मेरा क्या कहते हैं प्रेनम लिली का प्लांट है। ये इसमें खूब ढेर सारे फूल कर रहे हैं, ये खिले हैं। ये पूरा बंचेस खिल के ख़त्म हो चुका है और अब इसमें नए नए ब्रांचे, नए शूट्स, नए और भी आ रहे हैं। ये देखिए, 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 आ रहे हैं। तो अब इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अब इनकी केयर कैसे करें, इसके पानी का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इस समय गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस तरह के बीड से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये मेरा 16 इंची के पॉट में लगा हुआ है, देखिए ये। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ढेर सारे बल्ब बन गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े बल्ब होते हैं, कम से कम इससे भी ज़्यादा बड़े होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो जाती है, जिसकी वजह से इन्हें पानी लेने में दिक्कत हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, इस तरह की मैंने बॉटल भर के रख देती हूँ। मैं पिछले साल भी फूल एक ही बंच आके रह गया था, पर इस बार अभी ये कई एक आ गए। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पानी की इम्पोर्टेंट बहुत है। ये देखिए, धीरे धीरे इसमें स्लो मैं पानी डालती हूँ पाइप से, बहुत जल्दी गिरता और निकल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पानी रूट बॉन्ड की वजह से पानी ले नहीं पाता अच्छे से। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसमें खूब पानी पूरे नीचे एंड तक पहुंच जाए। कि वैसे तो ये बल्ब वाले प्लांट है, ज़मीन में लगा रखे, तो आप ज़्यादा पानी मत दीजिए, वरना ये सूखने के मतलब रूट बॉन्ड होने के या गलने के संभावना रहती है बल्ब की। मगर गमले में लगे हैं तो ये रूट बॉन्ड टाइप का हो गया है, बहुत ढेर सारे बल्ब तैयार हो गए। एक तो पॉट इतना ही बड़ा था, मैंने खाली किया था तो उसके बल्ब काफ़ी बड़े बड़े निकले थे। और ये 2018 से मेरे पास में है, ये काफ़ी दिनों से काफ़ी फैल गए हैं। तो ये छोटे छोटे से पप्स भी निकलते रहते हैं, ये देखिए छोटे छोटे से निकलते रहते हैं। एक ये है, एक ये है, दिख रहा है आपको, एक ये। तो इस तरह से बहुत ढेर सारे प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं एक में ही, और कि गमले का डायमीटर इतना नहीं होता है तो इन्हें समस्या हो जाती है, तो पानी इन्हें पूरा नहीं मिल पाता है। तो पानी इसे इसी तरह से देना चाहिए, जिससे कि इसमें पानी अच्छे से नीचे तक धीरे धीरे मिट्टी के नीचे तक पहुंचता रहे। तो ये देखिए, उसी का नतीजा है। और इस तरह से मैंने ये थोड़ा फर्टिलाइजर भी लिक्विड इसमें डाला था, तो ये और भी ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, खूब अच्छे से बढ़ रहे हैं, फ्लावरिंग पे आ गए हैं। ये अपने आप ही खुल रहा है, मैंने नहीं खोला, जैसे ये भी खुल रहा है। और हाँ, ये काम और किया है मैंने इसे बहुत, जैसे यहाँ पर धूप बहुत तेज लगती है, अब सुबह है, 8 बज रहे हैं, 7-8 बजे से यहाँ धूप आ जाती है, पूरे टाइम धूप रहती है। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से इसे कुछ ये काम भी किया है मैंने, इस तरह से मैंने इसे ढक दिया है, ऐसे करके मैं ढक देती हूँ, जिससे कि तेज़ धूप ना लगे। थोड़ी धूप तो गर्माहट तो रहेगी, मगर तेज़ धूप ना लगे, तो मैंने ये काम करके रखा है। यहाँ पे मैं जब आती हूँ सुबह पानी देने, तो पानी देने के बाद भी इससे मैं ढक के चली जाती हूँ, है ना। और शाम को आती हूँ तो मैं इसे हटा देती हूँ, यह हवा से अपने आप ही हट जाता है। तो बहुत तेज़ धूप में भी ये नहीं चलेंगी, कि मैंने नर्सरी में देखा था, बहुत बहुत फूल खिले हुए थे, ढेर फूल खिले हुए थे, मगर बड़े बड़े प्लांट के नीचे लगा हुआ था, तो इसलिए शायद मैं उसमें बहुत ढेर सारे फूल खिल रहे थे। तो मैंने ये ट्रिक लगाई कि हो सकता है इसे गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही हो, इसलिए इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रही हो। तो इस बार देखिए, पिछले 2 साल से इसी पॉट में है, फूल नहीं आए, एक ही बंच आके रह गया था पिछले साल भी, और इस साल देखिए एक खिल चुका है और ये 5 आए हुए हैं। कुछ और नीचे से और आ भी रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं इसमें अभी, क्योंकि आपको दिखेंगे ही नहीं कि कैमरे में उजाला नहीं है यहाँ पे अंदर को। तो नीचे से कुछ बंच और भी आ रहे हैं, स्पाइक्स इस तरह की और भी आ रही हैं। और हाँ, अब ये चीज़ देखिए, ये देखिए इसमें ये इस तरह से, आओ ना बाहर, इस तरह से इसमें सीड पॉट बनने लगते हैं, देखा है आप ये सीड। अगर आपको सीड चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसे हटा दीजिए, स्पाइक्स को यहाँ से बिल्कुल यहाँ से निकालिएगा, निकट भी नहीं रही है, मैं कैची से काटूंगी बाद में, ये यहाँ से निकालिएगा नीचे से बिल्कुल। तो ये और फ्लावरिंग करेगा, वरना सीड बनने लगेंगे तो ये सीड पे आ जाएगा, फ्लावरिंग बंद कर देगा, ठीक है। देखिए, एक ही बल्ब था, इसी से पहले ये निकला है, अब ये निकल रहा है ना। तो इसमें फर्टिलाइजर आप देते रहिए सप्ताह के सप्ताह। तो ये मैं इसमें मैंने 4 दिन पहले दिया था फर्टिलाइजर, मैं 4 दिन बाद में ही दूंगी, तो ये और फूल आ जाएंगे, खिलेंगे जिसी वजह से, क्योंकि जब बल्ब होते हैं उन्हें ग्रोथ के लिए भी, बल्ब की ग्रोथ के लिए भी फर्टिलाइजर चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, फिर इनके लिए भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, पत्तों के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा कि इन्हें फर्टिलाइजर ज़्यादा ज़रूरत होती है, और फ्लावरिंग के लिए भी फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो इन्हें न्यूट्रिएंट काफ़ी चाहिए होता है। तो इसमें आप जब मिट्टी बनाए इसकी,
तो आप इसमें चाहे तो गोबर की खाद और बोन मील मिला सकते हैं, पर मेरा बोन मील बनाने के मिलाने का बिल्कुल मन नहीं होता है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो बोन मील मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप बोन मील ना मिलाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला दीजिए, वो भी अच्छा रहता है इसके लिए। और ओवर वाटरिंग तो बिल्कुल मत कीजिए, बरसातों में मैं इसे पानी बिल्कुल नहीं देती हूँ, अगर बारिश के टाइम पे आपने इसमें पानी दे दिया तो ये बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल गल जाएंगे बल्ब। और इस तरह के टिप होने लगे इनकी तो आप इन्हें कट कर दीजिए, क्योंकि एक तो देखने में भी अच्छे नहीं लगते, ये फंगल इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, फालतू के न्यूट्रिएंट भी लेते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह की टिप होती है तो आप इन्हें यहाँ से कट कर दीजिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। बारिश हो जाती है तो ठीक हो जाता है, मगर गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी जून जुलाई अगस्त फिर जाके थोड़ा ठंडा होगा, तब इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बरसातों में और सर्दियों में ये डोरमेंसी टाइम में होते हैं, तो इनमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, इस समय हल्का हल्का पानी देते रहिए, बस उतना ही काफ़ी है। और मैं ज़्यादातर इस तरह के पत्ते काट देती हूँ उस टाइम पर जब ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। अब ये देखिए, ये क्योंकि मैंने ठंडक कर दी है, वैसे इसमें अगस्त में निकलते हैं, इस तरह का पानी मैंने लगा दिया तो ये अगस्त वाला मौसम इसे मिल रहा है, तो इसमें फ्लावरिंग शुरू हो रही है ना। अगर आपको फूल खिलाने हैं तो अपने प्लांट में तो उसे उसी टाइप का एडमॉइस्चर दीजिए, तो ये फूल अपने आप ही खिलने लगते हैं। तो अभी देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है मई में, ये आज मई की 30 तारीख है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है, और आप देखिए कितने फूल खिल रहे हैं, और मेरे 15 मई से फूल खिलने शुरू हो गए थे। तो मई अब जून जुलाई अगस्त में चलते हैं, तो मैं ये सिर्फ इसके वजह ये है कि पानी इसे अच्छे से मिल रहा है, तो मैंने ये पानी इसमें ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, ये जो ये देखिए, ये इससे पानी धीरे धीरे ड्रिप होके निकलता रहता है, देखिए बूंद बूंद इस तरह से बहुत हल्का हल्का पानी जाता रहता है, ये देखिए है, तो ये पानी इसे पूरे प्लांट को मिलता रहता है, तो इसमें पानी की वजह से ये आराम से खिलने लगा है, क्योंकि पानी की ज़रूरत तो होती ही है हर प्लांट को, बस इसे कट करना ज़रूरी है। देखिए ये यहाँ से पीला पीला भी होने लगा है, अगर इसे नहीं हटाएंगे तो इसमें बीज भी बनने लगेंगे, फ्लावरिंग पे भी असर होगा, तो मैं इसे हटा ही दूंगी। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय फ्रेंड्स।